तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर था करोड़ रुपए। और आज मैं साउथ की धमाकेदार मूवी लेके आया हूँ, एकदम ब्लॉकबस्टर, जिसका नाम है दृश्यम 2। और ये मूवी आपको हिंदी में कहाँ देखने को मिलेगा इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। और ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, और ये मूवी आपको ऐसा क्या नया दिखाती है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में, और इस मूवी का जॉनर है ड्रामा, क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर। और इस मूवी को IMDb पे 8.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की, और गूगल यूजर ने इसे 96% के स्कोर दिए। और इस मूवी का डायरेक्शन क्या है जीतू जोसेफ ने, और इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी जीतू जोसेफ ने लिखा है। और इस मूवी की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे मोहन लाल, एस्टर अनिल, अंजलि नायर, मीना और आशा सरद। और ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है भाई, इस मूवी को गलती से ही मिस मत करना। और ये मूवी भाई आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी होने वाली है। और इस मूवी का सस्पेंस भाई, इस मूवी का सस्पेंस थ्रिलर आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। और इस मूवी की जितनी तारीफ की जाना भाई उतनी कम है। और इस मूवी की स्टोरी ने सच में भाई इंप्रेस कर दिया। और इस मूवी में बहुत से ऐसे वाव मोमेंट होते हैं जिसको देख के भाई आप भी सर पकड़ के बोलोगे कि भाई ये कैसे कहानी में हो सकता है, आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और इस मूवी का क्लाइमेक्स भाई, इस मूवी का क्लाइमेक्स अनएक्सपेक्टेड है। और इस मूवी में आपको डीपली थिंकिंग देखने को मिलेगी कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्लाइमेक्स को लेकर। और इस मूवी को देखने के बाद भाई एक चीज लगी कि भाई मोहन लाल के इतने कॉन्टैक्ट्स है कि भाई वो कैसे अपने आपको इस केस से बाहर निकाल पाएगा, आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और इस मूवी में मोहनलाल का एक ही एजेंडा रहता है कि उसे अपनी फैमिली को कैसे ना कैसे सेव रखना है, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। और इस मूवी के भाई राइटर डायरेक्टर को भाई सलाम है, क्योंकि भाई उनकी सोच इस मूवी को कहां से कहां ले गई है। और इस बार आपको दृश्यम 2 में भाई मोहनलाल की जगह पुलिस कॉन्फिडेंस मिलेगी कि भाई जब उनको कुछ सबूत मिल जाते हैं ना, तो भाई इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब वो मोहनलाल को अरेस्ट करती है ना, और उसके बाद क्या होता है उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए ना, तो ये मूवी स्टार्ट होती है दृश्यम के 6 साल बाद की, जिसमें मोहनलाल की जो फैमिली है ना वो बहुत डरी रहती है, क्योंकि उसने जो क्राइम किया है ना उसकी सज़ा उसको नहीं मिली है। और उनको इसी बात का डर सताता रहता है कि कोई पुलिस वाला या कोई गाड़ी जब उनके घर के आसपास से निकल रहे होते हैं ना, तो कैसे वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और इस मूवी में एक पर्सन है जिसने क्राइम किया था, लेकिन उसको उसकी सज़ा मिल चुकी है और वो कैसे फुल्ली रिलैक्स है। और इस मूवी में जो मोहनलाल का कैरेक्टर है ना, उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया है, जैसे उसने अपने खुद का थिएटर खोल लिया है। और इस मूवी में एक पर्सन है जिसको पता होता है कि मोहनलाल ने उस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया है, और लेकिन वो पैसे के लिए मोहनलाल के पास जाता है या पुलिस के पास जाता है, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और जब लाश में कंकाल मिल जाता है ना, और मोहनलाल का कैरेक्टर अपनी फैमिली को कैसे इन सारी चीज़ों से बाहर निकालता है, ये सारी चीज़ें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और अगर इस मूवी में पुलिस की बात करें ना, जो भी कोई पर्सन उस केस के बारे में बात करता है ना, तो कैसे पुलिस वाला अपनी जान छुड़ा के भागता है, और उस केस से रिलेटेड पुलिस वालों का सर हमेशा कैसे झुका रहता है कि वो हार गए हैं, आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। और जब उन्हें एक लीड मिलती है ना, तो कैसे वो मोहनलाल के कैरेक्टर को भाई घसीट के लेके आते हैं, और मोहनलाल के कैरेक्टर से पूछताछ करते हैं, और वो अपना क्राइम कबूलता है या नहीं कबूलता, आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। और इस मूवी में अगर मोहनलाल के कैरेक्टर की बात करें ना, तो उसके अंदर एक और इच्छा जागी है एक मूवी बनाने की, और उस मूवी की स्टोरी ना दृश्यम मूवी से थोड़ी रिलेटेड होती है। और लेकिन उस मूवी के क्लाइमेक्स में कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ें होती है ना, जिसको देख के भाई आप हिल जाओगे। और इस मूवी के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वरना भाई स्पॉइलर हो जाएगा। और ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के इंजॉय कर सकती है, और ये मूवी भाई फैन डब में होने वाली है, ये मूवी ऑफिशियली डब नहीं है। बस इस मूवी का लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।